नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रत्यय विज्ञानम इस चैप्टर का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का अर्थ है पहचान। तो आप सोचोगे पहचान मतलब क्या, कहने का तात्पर्य क्या है? तो महाभारत में जो कैरेक्टर अभिमन्यु है, उस अभिमन्यु को अपने पिता और चाचा की पहचान हो जाती है। पिता मतलब अर्जुन और चाचा मतलब वो जो पांडव थे उनमें से युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल, सहदेव, इनकी पहचान हो जाती है। तो आप सोचोगे या आपके मन में शंका होगी कि ऐसे कैसे आप कह रहे हो, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो पांडव है अर्जुन और बाकी जो सब, वो भेष बदल कर विराट नाम के राजा की नगरी में रहते हैं और उन्हें पहचानने में इतनी आसानी नहीं होती क्योंकि एकदम सा भेष बदल कर रहते हैं। तो उसी तरह से अभिमन्यु भी उन्हें नहीं पहचान पाता है, मगर वो बाद में उन्हें पहचान लेता है और उसी पर ही ये चैप्टर है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, मतलब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, विराट नाम का जो राजा है उसके नगर में पांडव रहते हैं और अभिमन्यु कौरव के साथ रहता है, मतलब दुर्योधन के साथ रहता है। तो होता क्या है, ये जो कौरव है विराट राजा के जो गाय भैंस जो के सब चुरा के ले जाते हैं और इसलिए दोनों में युद्ध होता है, मतलब कौरवों में युद्ध होता है और विराट राजा में युद्ध होता है। तो विराट राजा की ओर से पांडव लड़ते हैं और कौरव की ओर से अभिमन्यु लड़ता है, तो दोनों में युद्ध होता है। तो युद्ध करते समय भीम क्या करता है, अभिमन्यु को पकड़ लेता है। अभी अभिमन्यु को ये पता नहीं रहता है कि ये जो भीम है मतलब मेरे चाचा है, ऐसा कुछ पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भीम जो है पूरी तरह से भेष बदल कर रहता है, मगर भीम को पता रहता है कि ये मेरे भाई का बेटा है, अभिमन्यु है। तो इसलिए अभिमन्यु उसे प्यार से मतलब उसे पकड़ तो लाता है मगर उसे तकलीफ नहीं देता है। तो इस तरह से ये शुरुआत है। तो चलिए हम शुरुआत ही करते हैं। अभी भटः, भटः मतलब सेवक, अभी सेवक यहाँ भीमी है क्योंकि वो भेष बदल कर विराट राजा के यहाँ रहता है। अभी युद्ध खत्म हो चुका है और उन्होंने अभिमन्यु को पकड़ के लाया है और अभी वो महाराज के सामने जाते हैं, मतलब जो विराट राजा है उसके सामने जाते हैं और पर भीम कहता है जय तू महाराज हो, महाराज का जय जयकार हो। तब राजा कहते हैं अपूर्व युवते हर्ष, अपूर्व मतलब अद्वितीय, युव मतलब तरह, ते मतलब तेरा, हर्ष मतलब खुशी प्रसन्नता, मतलब तेरी खुशी अद्वितीय है। ब्रूही बोलो के नासी विस्मित, के नासी किस कारण से, केन मतलब किस कारण से, असी मतलब त्वम, असी ऐसा उसका अर्थ रहना है, मतलब किस कारण से तू इतना विस्मित प्रसन्न है, खुश है। तब भट कहता है मतलब वो सेवक अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम, अश्रद्धेयम मतलब अविश्वसनीय, प्रिय मतलब प्यारा, प्राप्त मतलब प्राप्त हुआ है, अविश्वसनीय ऐसी चीज हमें प्राप्त हुई है। सौभद्र ग्रहणम गतः, सौभद्र मतलब अभिमन्यु, ग्रहणम गतः मतलब पकड़ लिया गया है, हमने अभिमन्यु को पकड़ लिया है इसलिए मैं खुश हूँ। तब राजा कहते कथम इदानीम गृहीत, कथम मतलब कैसे, इदानी मतलब अब, गृहीत मतलब पकड़ा है, तो अब आपने कैसे उसे पकड़ा है। भटः मतलब वो सेवक वही भीम, रथम आसाध्य रथ पर चढ़कर, मतलब अभी यहाँ वो एक्शन बता रहे कि जब राजा ने पूछा कि तुमने कैसे पकड़ा तो उसके बाद भीम क्या एक्शन कर रहा है वो यहाँ बता रहे। रथम आसाध्य वो रथ पर चढ़कर निशंकम निसंशय निसंदेह बाहुभ्याम अवतारित, बाहुभ्याम मतलब अपनी भुजाओं से अपनी ताकत से अपने दोनों बाहुबल से अवतारित, वो उस अभिमन्यु को नीचे उतारता है, अवतारित मतलब नीचे उतारता है। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप से, मतलब अब तक ये जो हुआ ये जो सेंटेंस है ये उसने एक्शन किए, अभी वो बोलता है, क्या बोलता है, इतः इतः कुमार, मतलब वो अभी अभिमन्यु बोलता है कि यहाँ से यहाँ से, इतः इतः मतलब यहाँ से कुमार, हे कुमार, हे अभिमन्यु यहाँ से आओ, ऐसा कहने का तात्पर्य। तब अभिमन्यु, अभी अभिमन्यु अपने मन में बात कर रहा है, वो हो कौन हूँ खलु यश, वो अपने मन को ही पूछ रहा है कौन है यह, कह नु सचमुच यह कौन है, खलु सचमुच यश मतलब यह, यह कौन है, ये न जिसने बुझेक नियंत्रित, मतलब जिसने मुझे एक हाथ से कंट्रोल में किया है, मतलब उसने एक बाहुबल से हम मुझे पकड़ लिया है, बलाधिकेन अपि और जिसका बल बहुत ही है, बलाधिकेन मतलब बहुत ही बल, ऐसा होने पर भी न पीड़ित अस्मि, जिसने मुझे दुख नहीं दिया है, मुझे तकलीफ नहीं दी है, ऐसा ये कौन है। तब बृहन्नला मतलब अर्जुन कहता है, अभी अर्जुन ने अपना नाम चेंज किया है और थोड़ा सा रूप भी चेंज किया है, तो अर्जुन कहता है इतः इतः कुमार, यहाँ से कुमार। तब अभिमन्यु कहता है अये अयम अपरह कह, ये दूसरा कौन है, अपरह मतलब दूसरा, अयम मतलब यह, यह दूसरा कौन है, विभाति मुझे दिख रहा है उमा वेशम इव आश्रित हर, उमा मतलब पार्वती, पार्वती का वेश धारण किया हुआ शंकर, हर मतलब शंकर, मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है कि इंसान जैसे
पार्वती का वेश शिव ने धारण करने के बाद जैसे शिव दिख रहा है उस तरह से मुझे इंसान दिख रहा है, क्योंकि अभी तक अभिमन्यु को ये अर्जुन हमारा पिता है ऐसा पता नहीं चल रहा है, इस तरह से उसने वेश चेंज किया है। तब ब्रोन्नला अर्जुन कहता है, ब्रोन्नला मतलब अर्जुन, आर्य हे श्रेष्ठ अभिभाषण कौतूहलम मे महत, अभिभाषण मतलब बोलना, कौतूहलम मतलब उत्सुकता एक्साइटमेंट, मे मतलब मेरी, महत मतलब बड़ी, मतलब मेरी इससे बात करने की इच्छा है। वाचालय तु एनम आर्य, वाचालय तु मतलब बोलने के लिए कहो, ये न मतलब इसे, आर्य मतलब हे श्रेष्ठ, मतलब अर्जुन भीम को कह रहा है कि आप इसे बोलने के लिए कहो। तब भीमसेन अपवार्य, अपवार्य मतलब एक साइड होकर, मतलब एक साइड जाकर, बाढ़म अच्छा, मतलब इसने जो अच्छा कहा है अपने मन में कहा है, ओके। प्रकाशम, अभी जो प्रकाशम जब भी आएगा तो समझ लेना है, मतलब प्रकाशम के बाद जो भी सेंटेंस आएगा समझ लेना है वो जोर से बोल रहा है या वो बोल रहा है कि लोगों को सुनाई दे, ओके। प्रकाशम प्रकट रूप से, अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु को आवाज आता है, हे अभिमन्यु, अभिमन्यु, तब अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, मतलब अभिमन्यु को अभी गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ और ये तो सेवक है, ठीक है कोई बात नहीं, ये सेवक मेरा शत्रु है फिर भी मेरा नाम क्यों ले रहा है, मुझे महाराज कहना चाहिए, इसलिए उस अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा है। तब भीमसेन रुष्यति एषः मया, मतलब भीमसेन अर्जुन को कह रहा है, रुष्यति मतलब गुस्सा कर रहा है या चिढ़ रहा है, एषः मतलब यह अभिमन्यु, मया मतलब मेरे द्वारा, मतलब जैसे मैं इसका नाम ले रहा हूँ ये मुझ पर चिढ़ रहा है, ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। त्वम एव एनम अभिभाषय, त्वम एव मतलब तू ही, एनम मतलब इसे, अभिभाषय मतलब बोल, तू ही इससे बात कर। तब ब्रोन्नला मतलब अर्जुन कहता है अभिमन्यु, हे अभिमन्यु, तब अभिमन्यु को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कथम कथम, कैसे कैसे आप मेरा नाम कैसे ले सकते हो, अभिमन्यु हूँ नाम हम, मैं अभिमन्यु हूँ, भो हे कि मात्र विराट नगर, क्या यहाँ इस विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूतः, क्षत्रिय वंश में जन्मे हुए ऐसे श्रेष्ठ लोगों का नीचे ही अपी, जो निचले स्तर वाले लोग होते मतलब सेवक हो या निचले वाले, मतलब जो राजा नहीं ऐसे लोग, वो नाम भी अभिभाषणते, वो नाम से पुकारते हैं, मतलब बड़े लोगों का नाम लेते हैं, मैं बड़ा हूँ ऐसा वो खुद को बता रहा है अभिमन्यु, और आप मेरा नाम ले रहे हो, और फिर उसके दिमाग में आ जाते अथवा या ऐसे हुआ है हम शत्रु वशम गतः, मैं शत्रु के वश में चला गया हूँ, मतलब मुझे शत्रु ने पकड़ लिया गया है, इसलिए शत्रु तो मुझे नाम से ही पुकारेगा, वो कहाँ से रिस्पेक्ट देगा, ऐसे उसके मन में आ रहा है। अतएव इसलिए तिरस्क्रियते, मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है, नहीं तो इनकी क्या हिम्मत कि जो मेरा नाम ले। तब ब्रोन्नला मतलब अर्जुन कहता है हे अभिमन्यु सुखम आस्ते ते जननी, सुखम आस्ते क्या सुखी है ते जननी तेरी माता, जननी मतलब माता, ते मतलब तेरी, तेरी माता सुखी है। जैसे ही अर्जुन उसके माता के बारे में पूछता है तो अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कथम कथम कैसे कैसे, जननी नाम माता का नाम आप ले रहे हो, मेरे माँ का नाम, किम भगवान में पिता, क्या आप मेरे पिता हो अथवा या पितृव्य या मेरे चाचा हो, कथम माम पितृवद आक्रम्य, कथम माम कैसे मुझ पर पितृवद आक्रम्य, पिता की तरह अधिकार जमा कर श्रीगताम कथाम पूछे से, श्रीगताम श्रेयों के बारे में कथा मतलब उनके बारे में कहानी पूछे से पूछ रहे हो, उनकी हालत पूछ रहे हो। तब ब्रोन्नला अर्जुन कहता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, अपि कुशली क्या कुशल है देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र केशव मतलब कृष्ण, क्या कृष्ण भी ठीक ठाक है या वो भी ठीक है। वापस अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नाम्न, तत्र भवंतम मतलब वहाँ भी आप उनका भी नाम ले रहे हो, मतलब भगवान कृष्ण का भी आप नाम ले रहे हो। अभी यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, तत्र भवंतम ये जो भवत सर्वनाम जो है उसके पहले यदि तत्र आता है तो वो आदरार्थी आता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए भवत शब्द के पहले अत्र या तत्र लगाया जाता है, तो उस तरह से यह तत्र भवंतम मतलब वहाँ, मतलब वो आदरणीय उनको भी नाम से आप ले रहे हो। अतः किम तो क्या, तो क्या मतलब गुस्से से वो बोल रहा है। उभो परस्परम अवलोकयतः, और फिर जो अर्जुन और भीम वो आपस में एक दूसरे को और देखते हैं, परस्परम अवलोकयतः एक दूसरे को देखते हैं, तब अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कथम इदानीम सा अवज्ञम इव माम हस्यते, कथम इदानीम कैसे अब सा अवज्ञम इव अनपढ़ की तरह अज्ञानी की तरह माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हैं। तब ब्रोन्नला मतलब अर्जुन कहता है न खलु किंचित,
क्या ऐसा नहीं है? मतलब वो अपने हंसने का कारण बता रहे, न खलु किंचित, क्या सचमुच ऐसा नहीं है? अभी वो श्लोक में बता रहे अर्जुन, पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। अन्वय का अर्थ होता है श्लोक का एक सरल वाक्य बनाना, जिससे अर्थ लगाना आसान हो जाता है। और अन्वय आपको एक अलग से टॉपिक है, उस पर हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। पार्थम पितरम मतलब अर्जुन, पार्थ मतलब अर्जुन, पितर मतलब पिता, अर्जुन तेरे जो पिता है उसे, और मातुलम जनार्दनम, मातुलम मतलब मामा, जनार्दन मतलब कृष्ण, मतलब कृष्ण मामा को, मतलब अभिमन्यु के मामा कौन थे? कृष्ण थे। तो पिता अर्जुन और कृष्ण मामा को याद करके, उद्देश्य मतलब याद करके, कृतास्त्रस्य तूने जो शस्त्र विद्या जो हासिल किए, युद्ध में जो निपुणता, युद्ध में जो तूने जो कौशल्य हासिल किया है, ऐसा जो तरुण, तू जो युवा है, तरुणस्य युद्ध पराजय है युक्त, क्या तेरे युद्ध में हार जाना युक्त क्या सही है? कहने का तात्पर्य यह है कि तेरे पिता अर्जुन इतने शूरवीर है और मामा जो है कृष्ण है, भगवान कृष्ण, ऐसा तू और ऐसा तू होकर भी तेरा युद्ध में हार जाना ये क्या सही है? ऐसा अर्जुन उसे बोल रहा है। अभिमन्यु को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, खुद की प्रशंसा बंद करो, अलम मतलब बस बंद करो, स्वच्छंद प्रलापेन खुद अपने अपनी बड़बड़ करना बंद करो, अस्माकं कुले आत्मस्तवम करतुम अनुचितम। अस्माकं कुले मतलब हमारे कुल में, हमारे वंश में, हमारे फैमिली में, आत्मस्तवम मतलब खुद की प्रशंसा करना, कर तुम करना अनुचितम योग्य नहीं है। मतलब हमारे फैमिली में हम कभी भी खुद की प्रशंसा नहीं करते, खुद के बारे में अच्छा नहीं बोलते, लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते, ऐसे कहने का तात्पर्य। रणभूमो हतेशु शरण पश्य, और रणभूमि युद्ध में जाकर देख, अभिमन्यु गुस्से से बोल रहा है, हतेशु जो मरे हुए हैं उन पर, शरण पश्य उनके ऊपर जो शर जो बाण जो तीर है उन्हें देख, पश्य मतलब देख, मद्रुते अन्यत नाम न भविष्यति, मद्रुते मेरे अलावा अन्यत किसके भी नाम न भविष्यति, मतलब उस धनुष पर उन तीरों पर मेरे अलावा तुझे दूसरे किसी का नाम नहीं मिलेगा, मतलब इतना मैं शूरवीर हूँ, ऐसा अभिमन्यु उस अर्जुन को समझा रहा है, मतलब उस बृहन्नला को समझा रहा है। तो बृहन्नला मतलब अर्जुन कहता है एवं वाक् शौंडर्यम, ओ इस तरह से बोलने की चतुराई, वाक् शौंडर्य मतलब बोलने की चतुराई, किमर्थम तेन पदातिना गृहीता, यदि तू इतने खुद की तारीफ कर रहा है तो किमर्थम किस लिए, तेन पदातिना उस सेवक ने तुझे गृहीत पकड़ा, पदातिना मतलब सेवक के द्वारा, तो क्यों तू सेवक के द्वारा पकड़ा गया, तू यदि खुद को इतना शूरवीर बता रहा है तो। तब अभिमन्यु कहता है अशस्त्र माम अभिगत, वो जो है जो सेवक मेरे पास आया वो शस्त्रहीन होकर आया, मतलब उसके पास कोई शस्त्र नहीं था और ऐसा मेरे सामने आया, माम अभिगत मेरे सामने आया, और मेरा जो है मैं जिसके पास शस्त्र नहीं होते उस पर कभी भी प्रहार नहीं करता हूँ, उस पर कभी भी अटैक नहीं करता हूँ। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को स्मरण करते हुए अहम कथम अन्यम, मैं कैसे उसे मारूं, वो तो शस्त्रहीन था, क्योंकि अशस्त्रेषु मादृशाः न प्रहरन्ति, अशस्त्रेषु मतलब जिसके पास शस्त्र नहीं, जिसके पास कोई तलवार नहीं या कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर मादृशा मेरे जैसे जो शूरवीर है वो न प्रहरन्ति, वो प्रहार नहीं करते हैं, अतः अशस्त्र अयम माम वंचित्वा गृहीतवान, अतः मतलब इसलिए अशस्त्र अयम इस शस्त्रहीन व्यक्ति ने, मतलब जिसके पास शस्त्र नहीं थे ऐसे सेवक ने माम मुझे वंचित्वा फंसा कर गृहीतवान पकड़ लिया। तब राजा कहता है मतलब वो विराट राजा वो कहता है त्वर्यताम त्वर्यताम अभिमन्यु हूँ, अभिमन्यु शीघ्रता करो शीघ्रता करो। तब ब्रोहनला मतलब वो अर्जुन इतः इतः कुमार यहाँ से कुमार एष महाराज यह महाराज है विराट राजा है उपसर्पतु कुमार कुमार मतलब हे अभिमन्यु उपसर्पतु उनके पास चलो उनके पास आओ। तब अभिमन्यु कहता है आह अरे कस्य महाराज किसके महाराज है मतलब अभिमन्यु को गुस्सा है वो कहता है एक भी मेरे महाराज नहीं है ये आपके होंगे मेरे नहीं है कस्य महाराज किसके महाराज। तब राजा कहते ये ही पुत्र आओ आओ पुत्र हे बेटे आओ कथम न माम अभिवादयसी कि कैसे ये मुझे क्यों नमस्कार नहीं कर रहा है माम अभिवादयसी ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है आत्मगतम मतलब अपने मन में बात कर रहा है। अहो उत्सिक्तः खलु अयम क्षत्रिय कुमार
उत्सिकता मतलब घमेंडी, अरे ये जो है सचमुच, खलु मतलब सचमुच, अय मतलब यह, यह क्षत्रिय कुमार, यह जो अभिमन्यु ये बहुत घमेंडी है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमी, अहम अस्य मैं, अस्य मतलब इसका, दर्प प्रशमनम घमेन करोमी मतलब इसका घमेन मैं दूर करता हूँ, प्रकाशम। और अभी वो बोलता है, मतलब अब तक वो मन में बात कर रहा था, अब बोलता है अथ केन आयम गृहित, अथ ओके इसे किसने पकड़ा, केन आयम, आयम मतलब यह, यह अभिमन्यु किसने पकड़ा। तब भीमसेन कहता है महाराज मया, हे महाराज मैंने, मैंने पकड़ा है। जैसे ही भीम कहता है कि मैंने पकड़ा है, तब अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेन इति अभिदेता, मतलब बिना शस्त्र के पकड़ा है ऐसा बोलो, अभिदेता मतलब ऐसा बताओ। भीमसेन कहता है शांतम पापम, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धनु तु दुर्बल ही एव गृहेते, धनु मतलब धनुष्य, तीर चलाते हैं ना जिससे, ओके वो तो दुर्बल ही एव गृहेते, वो तो दुर्बल लोगों द्वारा ही पकड़ा जाता है, मतलब जो ताकतवर नहीं होती वही लेते हैं। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मम तु मेरे तो भुजौ एव दो बाहु ही प्रहरणम शस्त्र है, मेरे दो बाहु ही मेरे शस्त्र है, मुझे धनुष की जरूरत नहीं है। तब अभिमन्यु को कुछ थोड़ा सा स्मरण आता है, वो कहता है मातावद, ऐसा नहीं भो हे किम भवान मध्यमतात, किम भवान क्या आप मध्यमतात, क्या आप मेरे मध्यमतात, मध्य मतलब समझने के लिए हम यहाँ सेकेंड नंबर के तात मतलब चाचा, क्या आप मेरे सेकेंड नंबर के चाचा हो। यह तस्य सदृशम वच वदति, जो तस्य सदृश उनकी जैसा बोल रहा है, वच वदति मतलब बोल रहा है भगवान, मतलब वो राजा कहता है पुत्र, हे पुत्र कह अयम मध्यम नाम, कौन है मध्यम नाम, मतलब मध्यम कौन है, मध्यम नाम वाले कौन है, मध्य मतलब दो नंबर वाले कौन चाचा है, कौन से चाचा है। तब अभिमन्यु कहता है सुनो, आप जानना चाहते हो ना वो कौन है, वो कितने बलशाली है। योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठ श्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो तदरताम। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते हैं। कंठ श्लिष्टेन, कंठ मतलब गला, श्लिष्ट का शब्दशः अर्थ होता है चिपका हुआ, जुड़ा हुआ, मगर यहाँ हम उसका अर्थ करेंगे कस के पकड़े हुए, मतलब गले को कस के पकड़े हुए बाहुना ऐसे भुजाओं द्वारा। जरासंधम योक्त्रित्वा, जरासंध को बांध कर, योक्त्रित्वा मतलब बांध कर, जरासंध नाम का एक जो दुष्ट व्यक्ति था उसे मेरे चाचा ने ऐसे कस के गले को पकड़ा था और उसे बांध कर, तत् असह्यम कर्म कृत्वा, वह असह्य मतलब बहुत ही मुश्किल काम कृत्वा करके, कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए जो अतधरताम जो बहुत ही मुश्किल काम था उसे नीत साध्य किया, पूरा किया। कहने का तात्पर्य यही है कि अभिमन्यु कहना चाहता है कि जो कृष्ण के लिए मुश्किल काम था, मतलब जिसे जिस जरासंध को कृष्ण भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मेरे चाचा ने भीम ने उसे कंट्रोल किया, उसे गले में कस के पकड़ कर उसे वो काम उन्होंने साध्य किया, ऐसे कहने का तात्पर्य। जैसे ही अभिमन्यु इस तरह से कहता है तो राजा थोड़ा सा सोचने लगता है। न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे किम उक्त्वा नापराद्दो अहम कथम तिष्ठति यात्वीति। अन्वय एक साथ अर्थ समझ लेते हैं। भवता रुष्यता रमे, तुम्हारे द्वारा जब मुझे डांटा जा रहा है, तू मुझे जब चिढ़ा रहा है, तब मैं रमे मतलब रममान हो रहा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब तेरा गुस्सा करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। ते क्षेपेन न रुष्यामि, तेरे डांटने से तेरा गुस्सा करने से न रुष्यामि, मैं ना ही चिढ़ रहा हूं। कथम भवान, कैसे मतलब अभी ये द्विधा स्थिति है, मतलब राजा अभी कंफ्यूज, मैं कैसे बोलूं। भवान तिष्ठति मतलब आप रुको, या तो इति या जाओ, मैं कैसे बोलूं। यदि इति इस तरह से मैं बोलूंगा, इति उक्त्वा ऐसा बोलकर, क्या मैं किम अहम अपराध न करिष्यामि, करिष्यामि हमने यहाँ ब्रैकेट में दिया है, वो समझने के लिए हमने यहाँ ऐड किया है। यदि मैं ऐसे बोलूँ इसे कि तू यहाँ रुक या जा, चले जा यहाँ से, यदि मैं ऐसा बोलूँ, यदि ऐसे बोलकर क्या मैं अपराध नहीं करूँगा। कहने का तात्पर्य यही है, यदि राजा उसे बोलेगा कि तू चला जा तो प्रजा नाराज हो जाएंगी, तो प्रजा के नज़र में जो उसके सेवक है या जो भी है लोग है, वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये सोचेंगे हमने इतनी मेहनत करके इसे पकड़ के लाया है और राजा बोलता है जा, मतलब शत्रु को छोड़ दे रहे। तो इसलिए राजा को ऐसे फील हो रहा है कि क्या मैं अपराध तो नहीं करूँगा। त
तब अभिमन्यु बोलता है यदि अहम अनुग्राह्य, यदि मैं अनुग्रह करने लायक हूँ, मतलब यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, दया करना चाहते हो, तो मेरी बात सुन लो। पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः बाहुभ्याम आहरुतम भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। अनुवाद के साथ अर्थ समझ लेते हैं। पादयोः निग्रहोचितः मतलब मेरे पैरों को, दोनों पैरों को निग्रहोचितः मतलब अच्छी तरह से बांध लो। समुदाचारः क्रियताम और मुझे उचित दंड दो। बाहुभ्याम आहरुतम माम मतलब मुझे दोनों भुजाओं द्वारा आहरुतम पकड़ के लाया गया है। माम मतलब मुझे, यह हमने माम ये ब्रैकेट में दिया है समझने के लिए। तो अभिमन्यु कहता है कि आपने मुझे दोनों हाथों की शक्ति से, पावर से मुझे पकड़ के लाया है ना, तो भीम मेरे जो चाचा है भीम, वो भी मुझे अपने बाहुबल से ही, अपने दोनों भुजाओं से ही मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति मतलब ले जाएंगे, मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे, ऐसे उसके कहने का तात्पर्य। ततः प्रविशति उत्तरः, उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर मतलब ये विराट राजा का पुत्र है, उसका नाम उत्तर है। वो एंट्री करता है और वो बोलता है उत्तर, तात अभिवादय, हे पिताश्री अभिवादय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब राजा कहता है आयुष्मान भव पुत्र दीर्घायु भव पुत्र पूजिता कृतकर्माण योध पुरुषा पूजिता, क्या तूने पूजा की कृतकर्माण, जिन्होंने अच्छे काम किए युद्ध में, अच्छे काम किए ऐसे योध पुरुषा, ऐसे वीर पुरुषों की तूने पूजा की। तब कहता है पूज्य तमस्य क्रेताम पूजा, मतलब वो अपने पिताजी को कहता है विराट राजा को कि जो अत्यंत पूजनीय है, पूज्य तमस्य मतलब अत्यंत पूजनीय, उनकी आप पूजा करो। क्रेताम पूजा, उनकी आप पूजा करो। तब राजा कहता है पुत्र कस्मै, किसके लिए आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। तब उत्तर कहता है यह अत्र भवते धनंजयाय, यह यहाँ जो उपस्थित है अत्र भवते, यह आदरणीय जो धनंजय है, धनंजय मतलब अर्जुन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ राजा। तब राजा कहता है कथम धनंजयाय इति, कैसे धनंजय मतलब अर्जुन के लिए कैसे। तब उत्तर कहता है अतः किम, तो क्या। अन्वय के साथ अर्थ समझ लेते। श्मशानात धनुः मतलब उस अर्जुन ने श्मशान से धनुष्य लाया है, श्मशान में भगवान शिव रहते हैं तो उनसे उन्होंने धनुष्य हासिल किया है। धनुष्य मतलब जिससे तीर चला जाता है उसे कहते हैं। और तुनीर अक्षय सायके, तुनीर अक्षय सायके ऐसा उसका संधि विच्छेद है। तुनीर मतलब जिसमें तीर रखे जाते हैं, अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, ऐसे सायके ऐसे बाण ऐसे तीर, तो उसके पास जो तीर है वो क्या है, कभी भी खत्म न होने वाले है। ऐसे लेकर, ऐसे तीर लेकर, ऐसे धनुष लेकर भीष्मादय नृपाः, भीष्म आदि एटसेट्रा मतलब दुर्योधन हो, बाकी सब कुछ हो, जो भी राजे लोग हैं उनको भग्नाः, उनको परास्त कर दिया, उन्हें हरा दिया। और वयं च परिरक्षिताः, और हमारी रक्षा की। तब राजा कहता है एवं यतत, ऐसा है। तब उत्तर कहता है व्यपनयतु भवान शंकाम, व्यपन है तो मतलब हटाओ, दूर करो, भवान शंकम आप, आपका जो संदेह है, आपका जो डाउट है वो दूर करो। अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, अयमेव अस्ति यही है, मतलब वो बृहन्नला की ओर इशारा करके बता रहा है कि यही है धनुर्धर धनंजय, यही धनुर्धारी जिसके पास धनुष ऐसा यही अर्जुन है। तब बृहन्नला मतलब जो अर्जुन है उसे लगता है कि अभी हमारा राज खुल गया है, इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ या मेरे भाई कौन है। तो वो कहता है यदि अहम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ तरी अयम भीमसेन, मतलब उस सेवक की ओर हाथ करके बताता है कि अयम भीमसेन, यह भीमसेन है मतलब भीम है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और यह युधिष्ठिर राजा है, ऐसा वो बोलता है। तब अभिमन्यु कहता है अभिमन्यु यह अत्र भवन्तः मे पितरः, यह मतलब यह अत्र भवन्तः पूज्य आदरणीय मे पितरः, मेरे पितागण या है तेन खलु, और इसलिए न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिताः। अन्वय के साथ अर्थ समझते। क्षिप्ता न रुष्यन्ति मया, क्षिप्ता मतलब जब मैं इनके साथ मतलब बुरा व्यवहार कर रहा था, इन्हें डांट रहा था, तब न रुष्यन्ति वो क्रोधित नहीं हो रहे थे, गुस्सा नहीं हो रहे थे,
मतलब मैंने जब इस तरह से डांटा तो वो गुस्सा नहीं हो रहे थे, हसंतः च माम क्षिपंती, और वो हंसते थे जब मैं उन्हें डांट रहा था, तब वो हंसते थे और माम क्षिपंती और मुझे चिढ़ाते थे। गो ग्रहणम दिष्ट्या स्वंतम। अभी अभिमन्यु को याद आ गया कि जो कौरवों ने गायों का अपहरण किया था, गायों को चुराया था, और उसके वजह से जो युद्ध हुआ और उन्होंने मुझे पकड़ के लाए, बहुत अच्छा हुआ। दिष्ट्या, ये जो गायों का जो पकड़ना है वो दिष्ट्या सौभाग्य से, सौभाग्य से स्वंतम, एक सुखांत हुआ, एक अच्छा एंड हुआ है। क्यों? क्योंकि ये न पितरह दर्शिता, जिसके वजह से आज मुझे मेरे पितरह, मेरे पूज्य पिताश्री और मेरे चाचा मुझे मिल गए, इसलिए गायों का चुराना भी एक मेरे लिए बहुत ही भाग्यपूर्ण रहा, एक अच्छा रहा, ऐसा यहाँ अभिमन्यु कह रहा है। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, और इस तरह से वो क्रमेण क्रम से सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगंती, और सभी, सर्वे मतलब सभी, तम मतलब उसे, उसे मतलब उस अभिमन्यु को आलिंगंती, गले लगा लेते हैं। और इस तरह से आज हमने चैप्टर का अभ्यास कर लिया है, आगे हमने प्रश्न के उत्तर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।